दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले 8 महीने से जेल में बंद सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और इस मामले में कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं और इसलिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आपको याद दिला दें कि इसी साल 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर हुई थी। बाद में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रही तो सिसोदिया फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं, यानी अगले कम से कम 3 महीने तक सिसोदिया जमानत अर्जी भी नहीं लगा पाएंगे। मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि सिसोदिया के भागने का भी कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि नई शराब नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही बनाई गई थी। एएसजी ने दलील दी थी कि एक तरफ शराब नीति बदलने की बात चल रही थी और इसके साथ ही विजय नायर की ओर से रिश्वत मांगी जा रही थी। एएसजी ने आरोप लगाया कि विजय नायर सिसोदिया की तरफ से काम कर रहे थे। जैसे ही मनीष सिसोदिया की जमानत कोर्ट ने खारिज की, वैसे ही बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी पर उनके कट्टर ईमानदारी के दावे पर हमलावर हो गए। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट करना मनीष सिसोदिया का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मनीष सिसोदिया जी की शराब घोटाले में जमानत को रद्द कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि करोड़ों रुपया दिल्ली के लोगों का शराब घोटाले के नाम पर प्राइवेट व्यापारियों को काम देकर लूटने का किया है। पॉलिसी को बदला गया है और पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है जिससे उनके मित्रों को लाभ मिल सके। आज ये स्पष्ट हो गया जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, हमने पैसे नहीं खाए। आज स्पष्ट हो गया कि मनीष सिसोदिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी सबसे बड़े माठग हैं, बेईमान हैं, लूटने का काम करते हैं और जो करोड़ों रुपया लूट कर अपने घरों में भरा है उसके कारण आज मनीष सिसोदिया जेल में है। और अरविंद केजरीवाल जी को ना निचली अदालत पे विश्वास था, ना हाई कोर्ट पे था, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलेंगे। पर बड़ा जन जन तक है अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जेल से तब तक नहीं आएगा बाहर जब तक उसके द्वारा लूटे गए एक एक पैसे का हिसाब ना हो जाए और उसमें उसकी सजा ना हो जाए। देश को और दिल्ली के लोगों को पता चल गया देश का सबसे बड़ा बेईमान लुटेरा कौन है, अरविंद केजरीवाल और उसके साथी मनीष सिसोदिया जैसे लोग। देखिए, दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में हुए कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने पिछले साल 17 अगस्त को एक केस दर्ज किया था। शराब नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पर छापेमारी भी की थी। हालांकि सीबीआई की पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। यह कार्रवाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद हुई थी। इन तीखे ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आज कोर्ट ने एक विपरीत ऑर्डर दिया है। जो सारे मुद्दे कोर्ट ने बार बार खुद उठाए आज ऑर्डर में
सुप्रीम कोर्ट ने बेल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दी है, इसलिए अब हम जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो शायद अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उस ऑर्डर को हम स्टडी करेंगे। उस ऑर्डर में जो भी सारे कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उसको आम आदमी पार्टी, हमारे सारे वकील गहराई से देखेंगे और जो सारे लीगल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को करते हुए भी हम बहुत सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय से असहमत हैं और उस निर्णय को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसको बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार चली है और आज भी चल रही है, आज तक एक रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहे लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। एलजी ने दिल्ली सरकार की 2021 में लागू की गई नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया था। आरोप लगा कि कोविड महामारी के बहाने लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई, इससे शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। शराब लाइसेंस देने में कमीशन लेने का भी आरोप लगा। चूंकि उस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सिसोदिया के पास थी, इसलिए आरोपों की आंच उनके ऊपर भी आई। सिसोदिया अपने खिलाफ लगे आरोपों को नकारते रहे। हालांकि सीबीआई का कहना है कि उनके खिलाफ कुछ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंसेस थे। सीबीआई ने सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया था और इसके बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट में कमीशनखोरी का आरोप लगाया। ईडी ने भी उन पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया। पिछले करीब 240 दिनों से ज्यादा से जेल में बंद मनीष सिसोदिया, अपनी उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में जो कुछ ईडी की तरफ से जानकारियां दी गई हैं उसमें 338 करोड़ रुपए का जो ट्रेल है, जो मनी ट्रेल नजर आ रहा है, वो संदिग्ध है और इसीलिए ये जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिसके बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और कट्टर ईमानदारी के जो आम आदमी पार्टी के दावे हैं उस पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि जो दावे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से होते रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है, फिर आखिर इतना वक्त मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने में क्यों लग रहा है, एक। और दूसरा, कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है उसके मुताबिक अगले 3 महीने तक भी मनीष सिसोदिया जमानत के लिए याचिका नहीं दायर कर पाएंगे, 3 महीने के बाद ही वो ये कर पाएंगे। अब इसके आसपास, इसके चारों तरफ जो राजनीतिक परिस्थिति बन रही है और जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है उसके मायने क्या है, आम आदमी पार्टी के सामने रास्ते क्या है, क्या कुछ उनकी तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं, ये तमाम चीजें समझने की है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी और समीर चौगावकर जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। सर प्रेम जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा, कैसे देखें कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हो, तमाम बड़े दावे, बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन कोर्ट का रुख तो कुछ और ही दिख रहा है। सर देखिए, कोर्ट ने जो आज जमानत याचिका खारिज करते हुए बात कही है उसमें इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 338 करोड़ के ट्रांजेक्शन के बारे में कहा है कि जांच एजेंसी कुछ सबूत दिखाती दिख रही है। तो ये बात अपने आप में गंभीर है, लेकिन तब भी ये बात अनुत्तरित है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा था कि मनीष सिसोदिया के पास से आपने एक रुपए की रकम नहीं निकाली, मनीष सिसोदिया कहाँ है इसमें, तो वो और ये केस तो टिकेगा भी नहीं, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात लगती है, ये जमानत याचिका की खारिज करने का जो आधार है ये हमें यूनिक लगता है। जो लॉ जानने वाले लोग हैं वो इसका जिम्मेदारी से जवाब दे पाएंगे कि एक ऐसा आधार चुना गया है जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मनीष सिसोदिया के हाथ तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं,
लेकिन कुछ हुआ है तो उसकी सजा क्या मनीष सिसोदिया को दी जाए। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि माने या अभियोजन पक्ष जो है वो कह रहा है कि जो पार्टी है वो एक पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के को अगर लाभुक मान रही कि लाभार्थी है आम आदमी पार्टी इस पूरे घपले का, तो और मनीष सिसोदिया नहीं है ये बात बोल नहीं रहे, लेकिन है ये बात भी नहीं बोल रहे, तो ऐसे में ये जो याचिका खारिज की गई है, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सम्मान ही करना है, मगर जो आधार है वो आधार एक नया आधार है ये दिखता है, क्योंकि जो अभियुक्त है उसके ऊपर कोई आरोप अब तक प्रूफ नहीं हुआ है और एक रियायत भी दी गई है। आप जिसको बोल रहे हैं कि मुश्किल की गई है, मैं तो देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने बाद आप याचिका लेके आ सकते हैं। सख्ती तो जांच एजेंसी के साथ है जिनको कहा है कि 6 महीने के भीतर आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये सख्ती जांच एजेंसी के साथ है और मनीष सिसोदिया के साथ तो रियायत है कि 3 महीने बाद फिर हम आपकी जमानत याचिका को सुनेंगे। ठीक है समीर जी, आप सुन रहे हैं प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से अभी जो कुछ कोर्ट में हुआ उसको लेकर जो उनका पक्ष है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप भी उसी आधार पर चीजों को देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अलग है, कुछ और दिशा दी जा रही है या कुछ और दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है मामला? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी ने बहुत साफ कर दिया है कि 338 करोड़ रुपए का हेरफेर मनी ट्रेल इस पूरे शराब के मामले में जिस आरोप में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं उसमें हुआ है। देखिए मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पैसा नहीं लिया तो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है। जस्टिस खन्ना ने बहुत स्पष्ट कहा कि ईडी यह नहीं कह रही कि मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया है, ईडी यह कह रही है कि जो 338 करोड़ रुपए का खेल हुआ इस पे उसका हिसाब किताब पैसों का लेन देन पैसों का इधर उधर डाइवर्ट करने में एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की भूमिका रही थी, और ये जो सीबीआई और ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दायर करी है उसमें यह महसूस होता है, और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज की थी। मुझे लग रहा है यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि 338 करोड़ रुपए का जो लेन देन इसके अंदर हुआ है, यह बात हो सकती है कि मनीष सिसोदिया ने पैसा नहीं लिया होगा, लेकिन जो पैसा का खेल हुआ है, जो भ्रष्टाचार 338 करोड़ रुपए का पहली दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा है, उसका लेन देन मनीष सिसोदिया के माध्यम से विभिन्न लोगों के पास गया होगा, वो पार्टी के चुनाव प्रचार में गया होगा, वो पार्टी के किसी बड़े नेता के पास गया होगा, वो कहीं और गया होगा। ईडी वही जांच करना चाह रही है कि वो 338 करोड़ रुपया कहाँ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए बहुत एक निराशाजनक दिन रहा है, बहुत दुखदायी दिन है, उनके विश्वासों की एक हत्या हुई है। जिस कट्टर ईमानदारी की बात कर आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी, और दिल्ली की जनता ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जिस ईमानदारी की बात करते हुए सर माथे पे बिठाया था, मुझे लग रहा है आज उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और कहीं ना कहीं आज पूरी दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ और शर्मिंदा महसूस कर रही है। यह बात आप कह रहे हैं प्रेम जी, आप जो बात कह रहे थे ना उसी में मैं एक चीज और जोड़ू, और जो समीर सर ने सवाल उठाए हैं बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्योंकि कट्टर ईमानदारी की बात तो कर रहे हैं आप, एजेंसियों पर सवाल उठा सकते हैं, एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जब जज और बेंच फैसले कर रहे हैं या कुछ उनकी तरफ से टिप्पणी हो रही है तो वो तो सब्सटेंस के आधार पर ही कर रहे हैं ना सर, क्योंकि और आप अगर अपने आप को इतना पाक साफ बता रहे हैं, 8 महीने हो गए क्यों नहीं जमानत आपको कोर्ट ने पहले दे दी, मैं संजय सिंह को भी जोड़ लेता हूं, सत्येंद्र जैन को भी जोड़ लेता हूं, तो सवाल कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसको कोर्ट देख रहा है और शायद इसीलिए ये लोग जेल में हैं। देखिए आदर्श जी, पहले कहा जाता था कि कोर्ट से सजा मिलती है तब गुनहगार होता था, आज जमानत नहीं मिलने को गुनहगार मान लिया जा रहा है। जमानत नहीं मिलना गुनाह होने का सबूत थोड़े है, जमानत नहीं मिलने के बहुत सारे आधार होते हैं। सबसे बड़ा आधार तो होता है कि जमानत मिलने पर शायद आप केस को प्रभावित कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया सरकार में है, डिप्टी सीएम रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आधार है जमानत खारिज होने का। तो इस हिसाब से हम ये तय कर ले, समीर जी कहते हैं कि इन्होंने सबसे बड़ा ऐसा दिन है कि जनता इसको मान ले, अरे सजा नहीं हुई ना कि मान ले, परिणाम नहीं आए कि मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया है कि जनता दुखी हो जाए कि हमने ईमानदार सरकार चुनी और वो गलत चल रहे थे, वो होना बाकी है। अभी जांच एजेंसियों के सामने ये प्रमुख प्रश्न है कि वो अपनी जांच नियत समय में करें और साबित करें कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। तो भ्रष्टाचार हुआ है को लेकर के तो कोर्ट बोल रही कि कुछ तथ्य दिखते हैं, उनकी भाषा भी संयमित है,
लेकिन भ्रष्टाचार मनीष सिसोदिया ने किया है इसको लेकर के अभी इस आधार पर जमानत खारिज नहीं हुई है, जमानत खारिज होने के दूसरे आधार है। लेकिन हाँ, इसके राजनीतिक पहलू पर जाया जाए तो अगर हम इसको इस रूप में देखते हैं कि अगर अभी जमानत मिल गई होती तो क्या होता, मिल गई होती तो निश्चित रूप से विपक्ष का मनोबल ऊंचा होता और ईडी जो दूसरे राज्यों में, राजस्थान जैसे प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पहुंच रही है, उस पर सवाल मजबूती से आ पाता कि ईडी का देखिए दुरुपयोग हो रहा है। तो आज के फैसले से विपक्ष का मनोबल कमजोर होगा, वो जो बूस्ट मिलता छूट जाने से वो नहीं मिला है, ये विपक्ष का नुकसान है, ये मैं कह रहा हूं जी। ठीक है, राजनीतिक पहलू बहुत अहम बात आप कह रहे हैं समीर जी। जो राजनीतिक, जिस राजनीतिक पहलू की बात प्रेम जी कर रहे हैं, एक तो वो, और दूसरा प्रेम जी ने एक और बात उठाई कि आधार। मैं आधार में एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल रहेगा पहले, क्योंकि समीर जी आप इस पर जवाब दे दीजिएगा कि आधार की जब बात हो रही है तो जिस विभाग का ये पूरा मामला है वो विभाग तो मनीष सिसोदिया के पास था और कोर्ट भी ये बात कह रहा है कि भाई ईडी ने तो कहा कि हम, मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर पैसे के लेन देन में शामिल नहीं है, लेकिन उनके इशारे पर चीजें इधर उधर हुई और जिस पद पर जो जिम्मेदारी उनके पास थी और वही काफी हो जाता है आधार के लिए। तो देखिए, 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई थी। यह एक्साइज पॉलिसी बिना कैबिनेट अप्रूवल के आई, बिना एलजी के अप्रूव के लेके आई। इस पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा कि यह एक्साइज मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री जो नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसके अंदर प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला लग रहा है, इसकी जांच कराई जाए, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है, इसके अंदर कई चीजें ऐसी हुई जिसमें निजी वितरकों को फायदा पहुंचाने के लिए काम खेल हुआ है, इसकी जांच की जाए। चीफ सेक्रेटरी के लेटर के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच रिकमेंड की, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पूछताछ की, बाद में अरेस्ट किया, उसके बाद ईडी इन्वॉल्व हुई, ईडी ने अरेस्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चीफ सेक्रेटरी लिख के दे रहा है कि यह पॉलिसी जो है यह इसीलिए बनाई गई है कि इसमें पैसों का खेल हो सके, कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके और उसकी जांच होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है उसी दिन तय हो गया था कि इसके अंदर करप्शन होने वाला है। आज सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में यह बात कहा है कि मनीष सिसोदिया ने 45 से ज्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करी, जिसमें 5 सिम कार्ड तो मनीष सिसोदिया के नाम से थी, 15 से ज्यादा हैंडसेट को इस्तेमाल किया गया और तोड़ दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पष्ट, 1 मई को तो 1 जून को ईडी ने अपनी चार्जशीट 4 सेट में सबमिट कर दिए, उन्होंने उसमें सीधे सीधे कहा है कि पैसों का बड़ा लेन देन हुआ है और चूंकि मनीष सिसोदिया की पूरे देखरेख में हुआ था इसलिए 338 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां गए, किसके माध्यम से दिए गए, इसकी पूरी जानकारी आबकारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जानकारी में है, वो जो इस मामले में तथ्य उपलब्ध नहीं करा रहे। मुझे लग रहा है कोर्ट ने यह बात मानी है और कोर्ट ने यह कहा है जमानत खारिज करते हुए कि 338 करोड़ रुपए जो बांटे गए हैं उसमें मनीष सिसोदिया की सलपतला दिखती है। मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया या कोर्ट ने नहीं कहा, न ये ईडी ने कहा है, लेकिन 338 करोड़ रुपए का जो बंदरबांट हुई है, जिस हिसाब से एक्साइज डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ है, वह मनीष सिसोदिया की देखरेख में हुआ है और इसी आधार पर लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होती रही। वो पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में बेल खारिज हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सुनवाई के बाद बेल खारिज कर दी। तो जो व्यक्ति 241 दिन के अंदर है उसे यह समझना पड़ेगा, और जो लोग ये आरोप लगाते थे कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को झूठा फंसाने का काम करती है, उनको आज ईडी की इस कार्रवाई से जवाब मिल गया है कि ईडी ने अपने सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसका अध्ययन किया और ये पाया कि मनोज सिसोदिया दूध के दिले नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका इस करप्शन के अंदर है और इसी कारण पर उनकी जमानत खारिज हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जब आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं एक पार्टी बना रहे हो, ईडी ने कहा था हम उसकी भी जांच कर रहे हैं, जल्द ही बनाएंगे। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया नहीं, पार्टी के कुछ और बड़े नेता और आम आदमी पार्टी भी इसके अंदर एक पार्टी बनेगी और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए और समस्याएं खड़ी होने वाली है। ठीक है प्रेम जी, देखिए राजनीतिक पहलू की आप बात कर रहे थे, समीर जी तो कह रहे हैं कि समस्याएं और खड़ी होने वाली है। मेरा तो अभी, मैं अगर वर्तमान की बात करूं, मुझे लगता है विपक्ष के मनोबल की आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम हो जाता है समझना आम आदमी पार्टी के मनोबल को लेकर, क्योंकि उनका दूसरा सबसे बड़ा नेता 8 महीने से जेल में है और उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि शायद जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, सबको उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी लेकिन जमानत नहीं मिली,
और इसका मैंने कहा कि एक ऐसा आधार रखा गया है जो वास्तव में आमतौर पर देखा नहीं जाता कि 338 करोड़ का लेन देन हुआ है जो संदिग्ध है, लेकिन उस संदिग्ध लेन देन में मनीष सिसोदिया नहीं है कहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के कारण, चूंकि वो मंत्री हैं, तब तो किसी विभाग में कोई करप्शन हो तो उस विभाग के मंत्री को आंख मूंद करके मान ले, ये नई परंपरा फिर शुरू होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ने ये फैसला दिया है, मानना तो होगा, लेकिन नए आधार पर दिया है। ये मैं कह रहा हूं, इससे पहले इस तरह से नहीं फैसले दिए जाते थे जमानत अर्जी खारिज करने के मामले में, और जमानत अर्जी खारिज होने का मतलब करप्शन होना नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि उसके कई आधार होते हैं कि जमानत अर्जी खारिज की जाती है, और सबसे बड़ा आधार तो ये है कि वो सत्ताधारी दल के हैं, पहले डिप्टी सीएम रहे हैं, तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो किसने रोका है, करनी चाहिए, अब तक क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तब ईडी करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछेगा तो ईडी नहीं करेगी जांच। भाई इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जी प्रेम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि किस आधार पर मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की जा रही है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि 338 करोड़ का जो घपला हुआ है उसका लेन देन में मनोज सिसोदिया की भूमिका नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को, कि उनकी देखरेख में हुआ, उनकी नॉलेज में है कि वो 338 करोड़ रुपया कहां से आया, किसमें बटाया, कहां खर्च हुआ है, और वो जानकारी ईडी को और मनीष सिसोदिया से चाहिए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, कोई और आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि किस आधार पर मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की जा रही है। देखिए, मैं समीर जी जो बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया उसमें लिप्त हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ऐसा नहीं बोला है। ये 338 करोड़ का लेन देन के बारे में ईडी कुछ तथ्य देती हुई दिख रही है, ये है सेंटेंस उनका, लेकिन ये नहीं कि मनीष सिसोदिया उसमें इन्वॉल्व है। मनीष सिसोदिया चूंकि और भी आरोपी हो सकते थे जिनको ये ईडी लाती, तो उसी आधार पर उनका भी जमानत अर्जी खारिज हो जाए। मनीष सिसोदिया को उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण अर्जी खारिज हुई है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जजमेंट, एक मिनट प्रेम जी, मैं जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, एक सेकंड। 17 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से इनका कोई संबंध नहीं है, फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया है? इस पर कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास आया है, मनीष सिसोदिया के पास आए, बल्कि उसका कहना यह है कि सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर से उधर किया गया है, और जो ईडी ने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं उसको देखने पर प्रथम दृष्टि नजर आता है कि 338 करोड़ रुपए की हेरा फेरी के अंदर मनीष सिसोदिया को पूरी जानकारी है कि यह पैसों की कहां गए, उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है, इसीलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। स्पष्ट कहा 338 करोड़ का लेन देन हुआ है जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है। देखिए समीर जी, आपने जो पढ़ा है इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़े, मैं डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं कि लीगल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड इन अ लिमिटेड वे, इन द एनालिसिस देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच वी सेड आर डाउटफुल, बट वन एस्पेक्ट विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी रुपीज 338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the application for jail. ये है exactly. इसमें कहीं भी मनीष सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखिए, मैंने पढ़ के सुना दिया, अब ये डिबेटेबल नहीं है, संदिग्ध है। आपने जो पढ़ा है उसका मतलब ये है कि संदिग्ध है, और इसी आधार पर मनीष खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया को आप उसका झूला साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आप बात समझिए, उसमें ये ट्रांजेक्शन को संदिग्ध माना है, मनीष सिसोदिया की उसमें भूमिका है, संदिग्ध तो माना है ना? कि क्या है इस बारे में तो माना नहीं है, ना? मैंने तो पढ़ के रही है सर, घटना तो घटी है ना, माना है उसी की तो जांच हो रही है ना। हाँ, तो संदिग्ध उसी को तो माना है, ये बात समझिए। जांच पड़ताल के बाद बात है कि ये जो अर्जी खारिज की गई है मनीष सिसोदिया की संलिप्तता के आधार पर खारिज नहीं की गई है। इस केस में 338 करोड़ का लेन देन संदिग्ध है और टेंटेटिवली ये कोर्ट को लगता है कि सही हो सकता है। इतने सहज ढंग से कहा गया है, इसको समझने में दिक्कत क्या है? लेकिन हाँ, पॉलिटिकल माइलेज लेना है इसलिए मनीष सिसोदिया को ग्रिल कर देना है,
और वो चूंकि जेल से बाहर नहीं आ पा रहे तो इसका मतलब उन्होंने ही पैसे लिए। तब तो भाई जो तड़ी पार हुए अमित शाह जी उस समय फिर मान लिया जाता है कि वो कन्विक्टेड है। वक्त ने उनको साबित किया ना कि वो इनोसेंट है। सुप्रीम कोर्ट जब हुए तो मनीष सिसोदिया भी होंगे, सिसोदिया भी होंगे, केवल जमानत करनी होने के आधार पर इतनी बड़ी बात नहीं कही जा सकती। जी जब बरी हो जाएंगे तब आप ये कह सकते हो कि झूठे आरोप लगाए गए थे, चुप थोड़े रहेंगे। आप जमानत खारिज होने के आधार पर कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। को आरोपी है कट्टर ईमानदार कट्टर भ्रष्ट निकले हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के आधार पर उनको दोषी और गुनहगार नहीं माना जा सकता, ये बात समझ लीजिए। संजय सिंह की जमानत नहीं हो पा रही, ठीक है। लेकिन प्रेम सर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। प्रेम सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं अगर उसको भी मैं सही मान लूं, क्योंकि अगर कोई भी नेता किसी भी दल का हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी फिर उस पर हमला करती है उसकी जमानत खारिज होने पर, या कोई भी हो या दूसरे दल हो, मैं जोड़ देता हूं अभी जिस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है शराब घोटाले पर, तो वो भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही, दोषी बताती रही है। देखिए शराब घोटाला जो है ये घोटाला क्या सरकार की संपत्ति, सरकार का राजस्व का पैसा लेकर के घोटाला हुआ है, या फिर एक घोटाला जिसका इम्पैक्ट सरकारी राजस्व पर पड़ा है? वो नहीं होता तो सरकारी राजस्व को और कुछ पैसे मिल जाते, वो स्ट्रांग होता। दोनों दो बातें हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी पैसे का किसी ने लेन देन पकड़ा हो, ये है कि सरकार की नीतियों के कारण वो कुछ बीच में मीडिएटर्स थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रभावशाली प्रभाव रखने वाले, नीतियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स तो होते ही हैं, वैसे एक्टर्स तो हर मामले में होते हैं, टेंडर्स दिलाने से लेके सब में। तो ये यहाँ भी ऐसे लोग थे जो राजस्व नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रभावित कर रहे थे, जिसने कितना प्रभाव किया डाला, उससे क्या बेनिफिशियरी मनीष सिसोदिया हुए? यहीं पर तो उनका इनोसेंस या इनोसेंस नहीं होना दोनों प्रूफ होता है। तो हम कहते हैं कि जमानत अर्जी खारिज होना, और कहीं से इस बात की पुष्टि नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए। जी मैं आ रहा हूँ, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी है समीर सर, जल्दी से अपनी बात कहिए। आदर जी मुझे कुछ कहना है। देखिए कोविड में जो दुकान बंद हुई तो शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपए किसने माफ किए, एक लाइसेंस धारक के 33 करोड़ रुपए किसने माफ करी है? अगर लीगल पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो सरकार ने उसको वापस विड्रॉ क्यों कर लिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल के अंदर और जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पैसों का लेन देन हुआ है। साउथ के जो लीकर के ठेकेदार थे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पैसों का लेन देन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये बहुत बात आ चुकी, अब मनीष सिसोदिया को मालूम पड़ गया कि हम बच नहीं सकते। अमित अरोड़ा क्या क्या लेन देन था? अमित अरोड़ा ने कहा है कि 2.5 करोड़ रुपया मैंने मनीष सिसोदिया को दिया है पॉलिसी बनाने के लिए। सरकारी गवाह बन गए हैं, उनका स्टेटमेंट ईडी ने लिया हुआ है। तो अमित अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद, जिनोर अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद, और मुझे ऐसा लग रहा है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कि संजय सिंह का पीए शराब की कंपनी में पार्टनर बन गया था, आज संजय सिंह भी जेल के अंदर है। आने वाले दिनों के अंदर ये इन सब ने जो कालाबाजारी करी है, लिकर के नाम पे जो पैसा कमाया है, चुनाव में पैसा लगाया है, अन्य तरीके से पैसा कमाया है, उसकी पूरी जानकारी ईडी बाहर लेके आएगा। उसके बाद ये बहुत साफ हो जाएगा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, दिल्ली की जनता को ठगाए, देश के विश्वास को ठगाए, और आने वाले दिनों में सिर्फ ये दो लोग ही नहीं और बड़े लोग भी इसके अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी इस पूरे मामले पर। जिस तरीके से प्रेम जी को लग रहा है कि प्रेम जी के कहना था कि सिर्फ जो आधार है उस पर भी बात होनी चाहिए, जिस आधार पर ये जमानत खारिज की गई है और उसके आधार पर किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता है, और समीर जी के अपने तर्क हैं। लेकिन क्योंकि फैसला कोर्ट को करना है और कोर्ट ने अभी इसमें और समय लिया है, जांच एजेंसियों को एक तयशुदा वक्त दिया है कि उसमें अपनी जांच पूरी करें, क्या निकल कर आता है आगे, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां थोड़ी बढ़ गई हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी विषय पर अपनी बात रखने के लिए। प्रेम जी और समीर जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।